अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वाचिंग कॉल सील्स। गर्मी का सुनाए सबसे पहले जनाब। इधर हमारे पंजाब में इस एरिए में झेलम में बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जी, और ईद आ गई है और इंशाल्लाह ईद में भी आपसे मुलाकात होगी और ईद मुबारक उस दिन कहेंगे, एडवांस में नहीं कहते जी, ठीक है। आज जनाब डार साहब सोया हुआ था, जगा के लेके आए हैं जी, कहते हैं वीडियो बनानी है आज हमारे साथ, लाजमी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई भाइयों से, ठीक है। ओ इन्होंने आज आप पे तरस खाया है थोड़ा सा, कहते हैं ईद ऑफर लगानी है जी, ठीक है। लेकिन बात ये है, हम वीडियो बनाएंगे, शौक दिखाएंगे, डार साहब का थोड़ा बहुत इधर है, बाकी कुछ बर्ड्स बाहर हैं, जो इधर है वो शौक करवाते हैं। लेकिन आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पर मैंने चैनल बनाया कॉल असील के नाम से, ठीक है। आपने सबसे पहले स्टेटस में जाएंगे, जहाँ पे स्टेटस शो होता है वहाँ पे चैनल्स आजकल आ रहे हैं, तो उधर सॉरी इस वीडियो के नीचे लिंक दिया दे देता हूँ मैं, आप लिंक को प्रेस करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। व्हाट्सएप में है, ठीक है। तो वो आपको ये है कि ग्रुप की तरह होता है, लेकिन वन साइडेड नोटिफिकेशन मेरी तरफ से ही आएंगी, तो उससे बंदा तंग भी नहीं होता। जिस तरह ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं बार बार, नोटिफिकेशन मोबाइल भर जाते हैं, आपका दिल है स्टेटस देखें नहीं दिल तो ना देखें, ठीक है। तो कोई चीज़ें जब अच्छी कोई आ जाती है, कोई सेल परचेज वाली, तो वो जनाब उसमें मैं ना किसी भाई की हो, अपनी हो, किसी की तरफ से हो, जो मैं समझता हूँ कि मेरे कागजों में पास है, तो वो उस चैनल में उसमें व्हाट्सएप चैनल में मैं लगाया करूँगा, तो वहाँ पे देख के अगर आपको पसंद आती है तो पर्सनली आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। शौक दिखाते हैं जी आप। स्टॉपर ब्रीड, स्टॉपर ब्रीड, स्टॉपर ब्रीड, हमेशा आपने धूम डार साहब की तरफ से सुनी होगी स्टॉपर ब्रीड की। अब पट्ठा एक ही रह गया है क्योंकि आगे पीछे चले गए हैं, मार खाने से पहले ही भाग गए हैं मैदान से, ठीक है। मार कुट छोड़ने से मैं, इन्होंने एक जहाँ मुल्तान भेज छोड़े, एक पता नहीं कितने भेज छोड़े, एक लाहौर भेज छोड़े, एक पेशावर भेज छोड़े, मैं है सीजन तो पहले ही नसा छे, जरा ना इस पास जनाब 2 किलो मैं उधर छोड़ा भी नहीं, काफी नजर आ रहा है, मैं जनाब तक मैं 2 किलो अच्छा ये यूट्यूब की वीडियो है जी, आप लोगों को इधर शो करवा रहे हैं, पर्सनली जो पकड़ के शो करवाने वाला काम है ना वो हम टिकटॉक के ऊपर, हाँ मेरी कॉल सील के नाम से जो टिकटॉक है उसको फॉलो करें, और जो कुछ चीज़ें ये ईद ऑफर लगाएंगे इधर वीडियो में मेंशन हो जाएगी, लेकिन पकड़ के जो क्लियर वीडियो है ना वो आपको उस व्हाट्सएप चैनल पे और प्राइस के साथ बता दी जाएगी, ठीक है जी। ये जनाब स्टॉपर है, ताज देखें जी इसका, ये इसका जो बाप है जनाब वो नवाब वालों में से है, ठीक है, और इसकी माँ जो सी ना उस्ताद मजहर साहू की लाइन में से है, ठीक है। ये दो क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन है जी। ये देखें जनाब, ये जॉनसन है सावा, ये नवाबी क्रॉस है जी सावों में, ये एक जॉनसन है हमारी जो से लुक्स में ना पुरानी था उतरता, ठीक है। बाकी 3-4 भाई थे, एक मेरे पास आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत सा साव है, ठीक है, एक दो मास्टर साहब के पास है, एक आरफ वाला गया हुआ है और एक जो डार साहब ने ब्रीडर बनाया, और ये जौन सा ना हम कहते थे कि यार सबसे ना मतलब जो नायल नहीं है, मतलब जो पसंद नहीं था साहब जौन सी बात है, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया जी, पहली हमने बाजी इसकी लड़ाई, किधर लड़ाया जी, दीना में लड़ाया जी, ये पहली बाजी इधर लड़ाया दीना में, ठीक है, दीना में जीत गया खुले किल, ठीक है, माजरत के साथ खुले किल बताता चलो, बंद किल नहीं, खुले किल जीता उधर। फिर जनाब आया जेलम, दूसरी बाजी इधर जेलम बाबू सलमान ने लड़ाई, फिर जीत गया, और इस सीजन तीसरी बाजी ये फिर जीता है जी, ये 3 बाजियां जीत चुके हैं जी खुले किल में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए ना ईद ऑफर सेल में मौजूद होगा जी, ये व्हाट्सएप चैनल पे जौन सा इसकी पिक्चर और वीडियो वगैरह क्लोज अप पकड़ के
लगा दूंगा मैं, आप देख लें जिस भाई को पसंद है वो उधर आके इसकी कीमत दे सकता है, और जो कीमत लगाई जाएगी वो फाइनल है, उसमें कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती। किसी को समझ उधर पोस्ट देखे, किसी को समझ आती है तो रब्ता करे, नहीं समझ आती तो ना रब्ता करे, ना अपना टाइम वेस्ट करें जी, ना हमारा टाइम वेस्ट करें। ये डार साहब की तरफ से है जी, ठीक है जी। 3-time विनर देखो जी क्रैकन मुर्गा जी, बड़ा वड्डा, बड़ा पुराना मुर्गा जी, ये गला पट्टी का मास्टर है जी, बहुत अच्छी जनाब जरा जवान लड़ता रहा। बाजरा जाया ही करता है, मैं खाना तो कौन ही पा, टेल देखें जी कितनी लंबी है इसकी, चलो डॉक्टर साहब इन छोड़ो बना के चलो अंदर। सुस्त है यार, ओए ओए ओए, चीना है ना वापस आया जेड़ा, इसको जनाब तैयार किया हुआ था लड़ने के लिए सीजन खुले के, तो नहीं लड़ा, ये बाबू सलमान के पास ही रहा है। बड़ा चंगा कुकड़ है ये, क्रैकन और टाइसन लाइन क्रॉस है जी, ताईदी जनाब मत बची खुली मत ये तेरे को लो है या पिछू नहीं जाए, दिन होए ना ते बीमार होया ते हुन काफी बेहतर हो गया है, बह रहा है, ये रिकवरी होने दा टाइम लगेगा। ए मुर्गी में हर टाइसन आले जो है मुर्गी, ये लंगड़ी दी थी ये ना ते नाल है, हां अकेली गुला ला प्राण है। अच्छा 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 सही है, ये पेओ आस ओदे आस नाने आ शक्ल है शेप है ना, मुर्गी तो स्टॉपर चू लगती है ये जनाब नवाब वालों का, और जो लसानी मास्टर साहब के पास थे उनका क्रॉस है, ठीक है। ये पट्ठा पट्टी ये बहन भाई है जी, एडा ढेन जी एडा डा पट्ठा, एदा डेमो ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੇ ਆ ਡੈਮੋ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਦਾ ਡੈਮੋ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਕੇਜੀ ਪਿਚਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਡਾਡੇ ਡਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਨਾ ਰੋਲਾ ਛੋਟ ਛੋਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸੇ ਛੋੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਸ ਲਸਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੇਨਮ
अच्छा बड़े बड़े लोगों ने जनाब दावे किए सारे लसानी तक आंदे जनाब अज तुहानू खालस लसानी तक आंदे लसानियां दा प्यो है शक है ना कट लो ए निशानिया हालस लसानी दिया अज कल अजे हालस लसानी ने अंडे लसानी आज तो बार पूछने लगे ए डार साहब आप मेरे वाली पट्टी का शो करवाने लगे हैं जी जो इन्होंने कब्जा की हुई है और दे नहीं रहे एक प्योर क्रैकन ब्रीड की पट्टी जनाब ए देखो ए जनाब मुर्गी इन्हों को छोड़ के गए हैं बचाने आखिरी अंडिया का सी है इन्होंने मन दस है कौन नहीं एक दो अंडे ये को दिते इन्ह चुप करके बच्चे कढ़ा ले तो मन दस है भी नहीं तो मनु जवान करके तकई ने तो मैं है डार साहब मेरी है मैं दे छोड़ो वापस डार साहब नहीं मन सारिया मेरी लेकिन दिना को नहीं शर्मिंदगी अपने आप नु कर दे बे ए जनाब ए ही सारिया ए मेरी है जनाब मैं लै चलांगा अगला शौक ना तुम्हारे घर अपने घर तक आ सकस ओए हाय बहुत अच्छी जी है बेहतरीन ओ दी तो को भी जेडी किली गोला ले दी ओ नहीं छोड़ बना ए एक नंबर चीज ये प्योर क्रैकन पट्टी की कहानी हो गई बचपन में कहानी होगी थी ये कहानी है जी इसकी माँ भी कहानी है ये भी कहानी होगी थी जी दीना पे ही है ना कहानी होगी ये उसकी पक्षी है।